तो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और अपने डिवाइस में गेम स्पेस को यूज करते हैं, तो फाइनली यहाँ पे गेम स्पेस का 5.1.0 का न्यू वर्जन जो है रिलीज कर दिया गया है। आप अपने डिवाइस में जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। किस टाइप से आपको इंस्टॉल करना है, किस तरीके से, पूरा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं भी किया है तो आप प्लीज कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं बात करने वाला हूं रियलमी डिवाइसेस के, यहां पे जो न्यू गेम स्पेस है इसका जो अपडेट के बारे में। देखिए, यहां पे आपके पास हो सकता है कि कोई पुराना वर्जन रन कर रहा होगा। यहां पे जो है न्यू अपडेट जो वर्जन है रियलमी का, यहां पे जो नया वर्जन है, यहां पे 5.1.1 का जो हमने वर्जन जो है इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो कैसे आपको इंस्टॉल करना है वो मैं पूरी प्रोसेस बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी आप जो है नया कोई भी ऐप को अपडेट करें तो उससे पहले आपको एक जो है एप्लीकेशन की बैकअप फाइल बना के रख लेनी है। तो आप कोई एप्लीकेशन की बैकअप फाइल जो है पुराने वर्जन की बना के रख सकते हैं, ताकि इन केस अगर आपके डिवाइस में ये ऐप रन नहीं करती है तो आप वापस से रिकवर कर पाएं कोई भी पुरानी एप्लीकेशन, ठीक है। बट अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहां पे आपको जो है इस तरीके की 5.1.0 की फाइल मिल जाएगी देखने को, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जस्ट इस पे टैप करके यहां पे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जैसे यहां पे आप टैप करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे इस पे आप टैप करेंगे तो यहां पे आपको अपडेट का एक ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपल इसको अपडेट कर लेना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं हमारा ये जो न्यू गेम है यहां पे ये इंस्टॉल हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो सब कुछ वेट करना है और बाकी आप ऐप की बैकअप बना के रखें हमेशा, ठीक है। अपडेट होने के बाद सिंपल आपको इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ यहां पे देख सकते हैं पूरा वर्जन जो है चेंज देखने को मिलेगा, और यहां पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी जो है इसमें ऐड किए गए हैं जरूर से। और यहां पे आप देख सकते हैं कई सारे जो है न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं और न्यू लुक पूरी तरीके से कर दिया गया है। अब यहां पे देख सकते हैं बहुत सारी चीजें जो है नई देखने को मिल रही है इसमें, और साथ ही साथ देख सकते हैं माई गेम्स का एक ऑप्शन मिलता है। इसमें कई सारे गेम्स आपको जो भी आपके डिवाइस में आपने डाउनलोड किए होंगे वो शो करने वाले हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके डैशबोर्ड में कई सारी सेटिंग्स ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दी गई है, जैसे कॉल ब्लॉकर वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, और भी देख सकते हैं नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, टच ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, ठीक है। कई सारी चीजें हैं यहाँ पे, वॉइस चेंजर वगैरह, कई सारी चीजें जो इसमें ऐड की गई है। मतलब आप आराम से यूज कर सकते हैं, अगर आपको अपने डिवाइस में ये सभी फीचर को यूज करना है तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई इस नए अपडेट में इसको मॉडिफाई जो है किया गया है, ठीक है। अभी मैं अगर आपको दिखाई यहाँ पे हाइपर बूस्ट में कुछ नई सेटिंग्स भी जो ऐड की गई है, जैसे हम इसको गेम को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाइपर बूस्ट है इसको लेकर देख सकते हैं। गेम इंजन टर्न ऑन में कई सारे फीचर्स यहां पे ऐड किए गए हैं, जो कि आप देखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे हम यहां पे इसको ओपन करते हैं, यहां पे स्लाइड जो है निकालते हैं, तो यहां पे आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से ऑप्शन, ठीक है। इसमें आपको कई सारी चीजें मिल जाती है, और यहां पे आप देख सकते हैं डेटा वगैरह प्लान वगैरह सारी चीज शो कर रहा है, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं सारी चीज देखने को मिल रही है, तो आप चाहे तो इसको इनेबल करके जो है यूज कर सकते हैं अपने डिवाइस में, ठीक है। यहां पे आपको जो है इस चीजों को यहां पे आराम से यूज कर लेना है। और कहीं ना कहीं ये जो न्यू अपडेट है इसका बिल्कुल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर से यूज कर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है, सिस्टम अपडेट। और बाकी यहां पे व्हाट्सएप वगैरह, अगर प्लस आपको कोई एप्लीकेशन ऐड करनी है तो यहां से आप सारी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं, यहां से ऐप को ऐड कर सकते हैं, जो भी आप चाहे उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज काफी अच्छी बात है जो कि रियलमी के इस गेम स्पेस में 5.1.0 के इस वर्जन में जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो होपली आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड हो गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।